मौका हो मिला दो नंबर पोजीशन आउट कराए गोलकीपर एड वेटर जी थोड़ा गन ना बोले डाल हम किधर और हल्का बचा उड़े पीछे लोपिंग पास लेकर सोलता है करना सीना लोपेट की दौड़ है साइमन जी बोल रहे गति मौखन ना बोल दो भाई दाल समझाओ दरिया किया और गोल नोड़े को निश्चित है करना कॉर्नर और निचला शॉट सीधन का ये जो प्रयास था वो निरस्त होता वक्त अगर लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल वहां करते तो हो सकता था वहां पर एक चांसेस बनता गोल के लिए लेकिन वहां पर गेंद को शॉट करने के लिए वो अपना पोजीशन ही नहीं बना पाए। इसी बीच 10 नंबर पहने हुए खिलाड़ी अनिल निश्चित रूप से गेंद अभी भी लिट्टी पड़ा के कब्जे में गेंद दो नंबर पहने हुए सोम टुडू अपने सहयोगी 8 नंबर यहां बबलू को खेलने का प्रयास लेकिन इसी क्रम में गेंद टच लाइन से बाहर बेंजामिन ने बैक थ्रोइंग किया मनोज सोरेन के लिए वहां पर इतवार मुर्मू अपने सहयोगी को खेलने का प्रयास लेकिन अच्छा वापसी वहां पर 9 नंबर पहने हुए राहुल कुमार के द्वारा लुकस ने अपने सहयोगी को देने का प्रयास लेकिन डिफेंसिव करने के अंदाज में शॉट करने के दरमियान उनका हाथ से गेंद टकरा गया और वहां पर एक फ्री किक को जीत लिया है इस बार मजदूर एकता क्लब सिद्ध पहाड़ी की टीम अच्छा अवसर पहला गोल की तैयारी सिद्ध पहाड़ी टीम के द्वारा बड़ी मौज अवसर को जमा फ्री किक लगी और यहाँ अक्सर जब भी हमने शॉट देखा है हुकुन बाबू का इनके शॉट में गेंद में इतना गति देते हैं कि गोलकीपर को भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वही शॉट वही गति लेकिन डायरेक्शन ऑफ टारगेट पर यह डायरेक्शन लेस शॉट जो कि टारगेट से बाहर अगर गेंद फ्रेम पर होता तो निश्चित ही वहां मुश्किल पैदा कर सकता था गोलकीपर धेना सोरेन के लिए और सिद्धन का बैकग्राउंड आपको बताया गया है खास करके यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि वो किस लेवल के खिलाड़ी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज इस ग्राउंड पर उतना इनका जादू नहीं चल पाया है लेकिन अच्छा फिर भी खेल दिखाया है इन्होंने क्योंकि ये स्कोरर खिलाड़ी में जाने जाते हैं सिद्धन लेकिन इनके द्वारा गोल तो अभी आया नहीं है लेकिन बचे हुए समय पर हो सकता है और इसी बीच लुकस ने हल्का सा ब्रेक वहां पर क्रॉस लगाने के प्रयास पुनः वहां पर प्रयास किया गया लेकिन यहां पर मनोज ने उस बॉल को निरस्त किया हेलो हुई ना साइलेंट वहां पर चेस डाउन करने के बाद गेंद को अपने कब्जे में रखे हैं वहां पर एक प्लेयर्स को बीट किया है बहुत ही सुंदर गेंद में खेल दिया लुकस को लुकस ने साइमन को दिया है साइमन वहां से निश्चित रूप से राइट विंगर को खेलना चाहेंगे इतवार मुर्मू सिद्धन के क्षेत्र में गेंद अभी वहां पर सिद्धन गेंद को ले लिए है मौका बन सकता है इसी बीच गेंद को हवा में खेलते हुए अभी भी मौका बन रहा है लेकिन शॉट में वो गति नहीं थी और डायरेक्शन की कमी गेंद देखना होगा इस बार गेंद के पीछे हावी हो चुके हैं मौका मिलेगा और बेहतरीन गोल साइलेंट हेमराम 9 नंबर क्या कॉम्बिनेशन है इस मैच में मजदूर एकता क्लब की पहाड़ी टीम का और ये लगभग मात्र 14 मिनट के लगभग में गोल हुआ है 8 नंबर बबलू वहां से सीधे पेनल्टी बॉक्स की ओर लेकिन गेंद पोस्ट के बगल से ऑफ टारगेट पर पहल हाफ रहे मीठे गोल खाते फिलहाल मजबूत स्थिर है फिलहाल मजदूर एकता क्लब की पहाड़ी टीम फिलहाल बॉल टच लाइन खन बाहर थोड़ा गान साइमन आउल साइलेंट तला रे का अंडरस्टैंडिंग हुई जुड़ दहे करा ना बांग हुई ना समांतर दिशारे साइलेंट ने गति ले गया मन खन साइमन उन्हें थोड़ा गाने डर लहाए ना और नोडे बॉल फिलहाल थ्रोइंग लगी कोई जामा मौका लिट्टी पड़ा टीम प्रधान अभी मुझे शॉट ले गया मन खन बॉल टॉप टारगेट
नींद भी बनाती बड़ी मौज की नती इकना थोड़ा गन बॉल पोजीशन जस्ती सीट पहाड़ी थे बॉल नेक्स्ट बॉल नियत है अपना मैच लगी दे दला अबेन बना टीम रन मैनेजर हो अबेन प्लेयर्स को डगआउट से बन गुकु अंत दुखी ना पहिल हाफ दुना भाई भाई थे मुझे दो चरण से हजू करना थोड़ा इतने दो सार क्वार्टर फाइनल मैच लगी बना टीम रन मैनेजर अपना अपना प्लेयर्स को रेडी करते भाई भाई थे डगआउट से बन गुकु देखो आर्मी मेथवार मुर्मू आयरन सपोर्टिंग होपन बाबू गाती होपन बाबू की मौज चुना बॉल कंट्रोल करते आयरन सपोर्टिंग हटिंग कर शिवधर ऑफसाइड डाक क्षेत्र में फसावना निश्चित रूप से इनडायरेक्ट फ्री किक गोलकीपर खुद ढेना सुरन न बोले क्लियर और मनोज आहो अड़ी सुंदर वापसी और नोडे कौन दो नंबर साइमन कब्जर की बॉल साइमन नोडे टाइम थे गतिया बेंजामिन नोडे बोले अड़ी मुझे रिकवर का मीटे प्लेयर से अड़ी मुझे बीट किया बेंजामिन कटी मचा पास के लुकस लगी लुकस दो ना बॉल समान तो दिसारे सीधने गतिया बेंते और सात नंबर हो का खिलाड़ी बड़ी जोराई लगाओ का कहीं ना कहीं जनी पहल राउंड ना मैच तो नहीं खिलाड़ी पाएगा तिलना भी के नवा प्लेयर खड़ा सात नंबर आर यदि उन्हीं प्लेयर्स को उम्मीद करना लिटी प्ला पाकू टीम से कौन सात नंबर नहीं हो अभी मुझे गति अक्सर और नोडे खुद भी थे दोढ़ा मौका को यहाँ पर कॉर्नर माध्यम थे वह कॉर्नर बॉल नुकू लगी तीन दबना तहे ना चेन नोडे खुद दूसरा गोल है दरिया मजदूर इतना कलत सीट पहाड़ी लगी अच्छा हो सर डिफेंसी जोन खुद बनार सेंटर डिफेंस हो गया किन चलाओ करना पेनल्टी बॉक्स रे होपन बाबू से कौन बॉल ऑफ टारगेट रे चलाऊ ना निश्चित रूप से उन्हें कौन गोल की ये दाऊ नेक्स्ट क्वार्टर के लिए दोनों टीम्स के जो मैनेजर हैं अपने अपने प्लेयर्सों को डग आउट की ओर लाने का प्रयास करेंगे और इनका फर्स्ट हाफ समाप्त होता है और फर्स्ट हाफ में एक शून्य से पिछड़ते हुए डीएमसी लिटी पड़ा पाकुड़ गड़िया निश्चित गियर वा मैच को वापसी गड़िया पिता जे मात्र मीठे गोल करना मीठे गोल तो कभी भी वापसी हुई गड़िया लेकिन उड़ा हम सब तो थोड़ा गन मेहनत थोड़ा गन उड़े ज्यादा जरूरत में ना खास करके लिटी पड़ा पाकुड़ लगी चिता जे ओपोनेंट टीम हो डी मजबूत टीम सुगे ते ही नुकुआ भिड़ंत हुई कना खास करके मजदूर एकता क्लब सीत पहाड़ी ओका दो पाकुड़ क्षेत्र रना मीठे मजबूत और नामी ग्रामी टीम कना और बना टीम भी हालांकि पाकुड़ खोन की किन विलोम दा तालुकात किन दोहे दा मैन खाने न हो कहीं ना कहीं थोड़ा गन प्रेशर थोड़ा जरूर बना लिटी पड़ा पाकुड़ लगी थैंक यू सर और सच में सुशील कहीं ना कहीं दोनों ही टीम जो बिलोंग करते हैं ये पाकुड़ जिला से लेकिन कुछ खिलाड़ी यहाँ पर अदर जिला का भी खिलाड़ी का यहाँ सिलेक्शन हुआ है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए और कहीं ना कहीं यहाँ मजदूर एकता क्लब सीट पहाड़ी के ओर से जो बेंच पर बैठी हुई उसमें भी महान महान खिलाड़ी हैं लेकिन यहाँ देखना होगा कि बाकी खिलाड़ियों को प्ले इलेवन में जगह मिला है प्ले इलेवन में चांस मिला है तो वो अनुभवी खिलाड़ी भी चाहते कि उस खिलाड़ी को तो और मार्टिन बाबू जहाँ की नाम मार्टिन जी आप जहाँ कहीं भी आपको ब्रेन इमरजेंटली बुलाया गया है स्टेज के पास आने का कृपा करेंगे मार्टिन छोटा दुर्गापुर का मार्टिन जी आप कहीं भी हैं कृपा करके स्टेज में आने का कृपा करें और यहाँ से एक फाउल लेने का प्रयास
और यहाँ इतवार का एक अच्छा सा हेडिंग आता हुआ यहाँ हॉपर बबू के लिए, लुकस के लिए सॉरी, यहाँ लुकस ने खेला था साइमन के लिए और साइमन ने पुनः एक बार लुकस के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन क्या अच्छी दृश्य दिखाते हुए यहाँ पर दोनों ही टीम। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लिटी पड़ा का टीम तो मजदूर सिर्फ पहाड़ी का खिलाड़ी एक मजबूत टीम सीबीसी नुरुड़ी को हराकर ट्राइब्रेकर के माध्यम से इस क्वार्टर के लिए अपना जगह बना पाया है। तो दोनों ही टीमें काफी रोमांचक भरा मैच देखने को मिला था, यहाँ एक अच्छा सा मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ डिफेंडिंग जोन के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बॉल को उस खतरे वाला जोन से निकालने में सफल हुए। छोटा दुर्गापुर के मार्टिन जी, आप जहाँ कहीं भी हैं कृपा करके स्टेज में आने का प्रयास करें। उर्फ ताला, आपका यहाँ इमीडिएटली खोज हो रही है और आपके कानों तक हमें लग रहा है कि ये माइक्रोफोन का आवाज जा चुकी है, तो आप उस जगह से जितना जल्दी हो सके यहाँ स्टेज पर आने का कोशिश करेंगे। और खास करके यहाँ का जो कमेटी का अध्यक्ष सचिव जो भी है, आपको बहुत ही इमीडिएटली आपसे संपर्क करना, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आने का प्रयास करें। नहीं, नहीं। और यहाँ इतवार के कब्जे में बॉल इतवार के दिशा में खेला गया था यहाँ, लेकिन जब तक यहाँ पर फिर से एक बार 12 नंबर के जैसी पर खेलते हुए खिलाड़ी अमित के लिए खेला, लेकिन यहाँ आएगा एक ऑफसाइड कॉल जो कि अमित पहले ही बहुत डीप जा चुके थे ऑफसाइड का। और यहाँ एक अच्छा सा प्रयास है यहाँ दो नंबर लिटिपाड़ा की ओर से, लेकिन एक बहुत ही मजबूती के साथ दोनों टीम प्रदर्शन दिखाते हुए अपना, और कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा 6 नंबर बेंजामिन थोड़ा सा वहाँ लेट होते हुए। और देखिए यहाँ इतवारी का एक शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत होते हुए, लेकिन एक मौके पर बॉल गई सीधे वहाँ गोल लाइन के बाहर, पहला वहां बेंजामिन से गलती हुआ, दूसरा यहां इतवार जो शॉट लेने का प्रयास किया था वो जाकर सीधे गोल पोस्ट के बाहर गिरता हुआ, एंड मौके पर बॉल सीधे गोल लाइन के बाहर गोल पोस्ट के बाहर नेट पर जाकर गिरी और सुरक्षित है, लेकिन यहां आएगा एक कॉर्नर किक, तो देखना है इस कॉर्नर किक के माध्यम से क्या इस गोल को रिटेन करके मैच में इक्वलाइजर कर पाते हैं कि नहीं। और बहुत ही अच्छा सुंदर शॉट, लेकिन उतना ही जबरदस्त यहाँ हेडिंग आता हुआ साइलेंट का, और साइलेंट के ही क्षेत्र में भी बॉल, और साइलेंट ने खेले आसिफ धन के क्षेत्र में, देखना है सिर्फ 10 नंबर जर्सी पर, और ये थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए थोड़ा सा बॉल को भाप कर अगर शॉट कर लेते तो कहीं ना कहीं सही खिलाड़ी के पास अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के पास जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पुनः यहाँ पर लुकस के कब्जे में बॉल, और लुकस का भी ये गलत पास, और हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पहले मैच में यहाँ लिट्टीपाड़ा के खिलाड़ी जैसा खेल रहे तो कहीं ना कहीं उसके तुलनात्मक इस मैच में बहुत ही उमदा बहुत ही सुंदर प्रदर्शन अभी तक दिखाते हुए, और दो दो खिलाड़ी को बीट करने के बाद यहाँ पर हपन बाबू एक अच्छा सा पास देने का प्रयास, लेकिन ये गलत पास होता हुआ और अपने खिलाड़ी के पास बॉल जाती हुई, यहाँ बेंजामिन से टकरा कर बॉल कहीं ना कहीं दूर अपने खिलाड़ी के पास, हपन बाबू का साइलेंट के लिए, लेकिन साइलेंट बॉल को कंट्रोल में नहीं रखा, उसी रफ्तार में बॉल को जाने दिया, लेकिन बॉल जाएगी सीधे यहां से टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग का मौका मिलेगा यहां सिर्फ पहाड़ी के टीम को। और लुकर से एक बिग पास देते हुए इतवारी के लिए, लेकिन इतवारी का ये कैसा शॉट, ओपोनेंट के पास जाकर गिरती हुई बॉल है, यहाँ 7 नंबर के खिलाड़ी अमित बहुत ही रफ्तार के साथ जाते हुए, लेकिन सही समय पर यहाँ पर बॉल को स्वयं अपने ग्लव्स में लेते हुए और एक अच्छा सा शॉट लगा बैठे यहाँ पर। और बताना चाहूंगा ये सिर्फ पहाड़ी की टीम विगत वर्ष इस मैदान पर चैंपियन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक जुनून सा है हेलो
उनका सोच जो होगा कि चैंपियन का खिताब इस बार भी हम अपने नाम रखे हैं, लेकिन यहाँ साइलेंट करके मैं बोले अच्छा सा मोबी पास यहाँ सिद्धन के लिए, लेकिन सिद्धन सही समय पर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ हॉपन बाबू का एक अच्छा सा ब्लॉक आता हुआ इतवार के लिए, इतवार ने यहाँ जाने दिया प्ले ऑन का इशारा आते हुए वहां पर साइलेंट के कब्जे में बॉल और साइलेंट किस क्षेत्र में बॉल को खेलते हैं, लेकिन यहाँ साइलेंट ने बैक पास करते हुए इतवार के लिए और इतवार का एक अच्छा सा लॉबिंग पास, लेकिन तब तक बॉल जाएगी सीधे यहाँ गोल लाइन से बाहर। और जो स्कोरबोर्ड है उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत थोड़ा सा एक कदम आगे होते हुए यहां पर मजदूर एकता क्लब सिंह पहाड़ी के खिलाड़ी और यहां गोलकीपर का एक जमीनी शॉट लेने का प्रयास और यहां बॉल अमित से टकरा कर सीधे जाएगी टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग का मौका मिला है यहां पर सिंह पहाड़ी के खिलाड़ी को। साइलेंट देखना होगा साइलेंट का शॉट बहुत ही अच्छा, लेकिन उतना ही अच्छा हेडिंग आता हुआ यहां पर इतवार के कब्जे में बॉल, आराम से इतवार बॉल को लेने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर से यहाँ हेपन बाबू ए के पास और एक छोटा छोटा सा पास खेलते हुए इतना बेहतरीन ढंग से खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल यहाँ पर सुरक्षित ग्लव्स पर यहाँ लिखी पड़ा के खिलाड़ी की और यहाँ बेंजामिन का हेड उसी क्षेत्र में बॉल बढ़ाता हुआ, लेकिन मनोज का एक क्लियरिंग शॉट आता हुआ यहाँ और साइलेंट बॉल को हवा में खिलाया अभी बॉल के नीचे और एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट लगाए यहाँ पर, लेकिन देखना है यहाँ खिलाड़ी जब तक वो खिलाड़ी इस बॉल तक पहुंचते कहीं ना कहीं सॉम सुरक्षित अपने ग्लव्स पे लेता हुआ बॉल को और आज का जो दूसरा सेकेंड क्वार्टर होना है एनसीसी झारखंड एकेडमी और यहाँ देखिए 11 नंबर बॉल को बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सही समय पर उससे संपर्क में थोड़ा सा विलंब होते हुए और यहाँ साइलेंट के पास अभी से एक बार साइलेंट ने खेला या साइमन के दिशा में, लेकिन तब तक यहाँ सुरक्षित क्लब से पहले लेते हुए यहाँ नीति पड़ा के कीपर NSSC झारखंड एकेडमी वर्सेस जगदीश डीजे साउंड के साथ होना है, तो मैं दोनों ही टीम के टीम प्रबंधक से आग्रह करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने खिलाड़ी को तैयार करके डगआउट पर लाने का प्रयास करें और शायद यहाँ एक खिलाड़ी चेंज होते हुए और एक लाइटर शॉट आता हुआ यहाँ पर और देखना है जो खिलाड़ी मैदान पर आए क्या बाकी खिलाड़ी के तुलना तो कहीं ना कहीं इसके पास एनर्जी की इसके पास जो पावर शक्ति होगा ज्यादा होगा, चार्ज होके फूल आए हैं लेकिन ये अपने चार्ज का कितना फायदा उठा पाते इस मैदान पर और एक लंबा थ्रोइंग लेते हुए, लेकिन वहां किसी खिलाड़ी से कोई संपर्क नहीं और अंततः यहाँ होपन बाबू का एक शॉट आता हुआ और शॉट जाएगी सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स के छत के ऊपर और सुरक्षित अभी भी हम दोनों कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स के ऊपर कहीं ना कहीं इतना दमदार खिलाड़ी का तो थोड़ा सा हैवी लगता है क्योंकि ये लोग महान खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अनुभव है और यहाँ एक अच्छा सा लेकिन पुनः एक बार कोशिश था लेकिन इतवार उस बॉल को उस खतरे वाली जोन से बाहर करने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा प्रयास लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं है सुरक्षित यहां पर अपने ग्लव्स पर लेते हुए यहां लिखी पड़ा के खिलाड़ी कीपर द्वारा और कल भी दो सेमीफाइनल खेल होना है और कहीं ना कहीं कल बालिका वर्ग का भी खेल देखने को मिला है जो कि पहली बार इस ग्राउंड पर बालिका वर्ग का खेल होना है, तो मैं इस कमेटी के सभी सदस्यों को दाद देता हूं कि उन्होंने इनका सोच बहुत अच्छी है कि जहां एक तरफ लड़कों को आगे बढ़ाने का यहां सिद्धन के कब्जे में बॉल है, सिद्धन उस बॉल को छिनाते हुए तो जहाँ हर क्षेत्र में लड़का अपना परचम लहरा रहा है तो कहीं ना कहीं कमेटी सोचा क्यों ना यहाँ लड़की को भी उस तरह का चांस दिया जाए और बहुत ही अच्छा सुंदर डिसीजन यहाँ पर हमारे कमेटी गण का और यहाँ पर चार टीम लड़कियों का सरकार से दुमका के बीच होना है सेकेंड में
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कल अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस मैच का आनंद लेने के लिए जरूर पहुंचेंगे, और साथ ही साथ कल हमारे यहाँ चर्च गर्ल्स का भी प्रस्तुति होना है, तो उनका भी डांस का लुत्फ उठाने के लिए आने का प्रयास करेंगे। और यहाँ एक बैकिंग द्वारा पास देने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें असमर्थ होते हुए थोड़ा सा, और क्या बेहतरीन ढंग से क्लियरिंग शॉट लगा बैठे यहाँ पर मनोज, लेकिन यहाँ चेस्ट डाउन के माध्यम से बॉल को अपने ग्रिप में रखने का प्रयास। और यहाँ हॉपन बाबू का एक शॉट आता हुआ जिसको साइमन ने आगे की ओर खेलने का प्रयास किया, लेकिन इतवार यहाँ एक अच्छा सा प्रयास है, लेकिन वहां पर बॉल के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं, और अंततः यहाँ पर लुकस का एक अच्छा सा चेस्ट डाउन आया था, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और पुनः एक बार इतवार के कब्जे में बॉल, और इतवार ने खेला यहाँ पर एक साइमन के दिशा में, और कहीं ना कहीं वो साइमन बी होगा, साइमन ए के जगह में शायद आए हैं। और जैसे जैसे यहाँ समय बीतता जाएगा, थोड़ा सा यहाँ चिंतन करने का बात होगी हमारे लिटीपाड़ा की टीम को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक गोल का दबाव पर खेलता हुआ यहाँ पर साइलेंट के कब्जे में बॉल, लेकिन साइलेंट सही समय पर उसको कलेक्ट नहीं कर पाया, और यहाँ प्ले ऑन का इशारा आते हुए, लेकिन यहाँ सिद्धन का जो रिटेनिंग पास था उस पर सफल होते हुए नहीं। इसके बाद जो खेल होना है दोनों टीमों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज्यादा समय ना ले, और जितना जल्दी हो सके आप डगआउट पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दिन के उजाले में मैच का समाप्ति हो जाए तो बेहतर रहेगा। और जहां तक मेरी अंदाज से कि बहुत कम समय रह गया होगा अभी, लेकिन बाकी जितना भी समय उस पर भरपूर प्रयास रखना है यहाँ पर लिट्टीपाड़ा के खिलाड़ी, क्योंकि वो चाहते कि हर हाल में मैच अगर इक्वलाइजर कर पाते तो कहीं ना कहीं ट्राई बेकर के माध्यम से हम। और यहाँ एक बार सिद्धन के पास मौका था, लेकिन सिद्धन उसी रफ्तार पर बॉल को शॉट करने का प्रयास किया और गोल गई सीधे यहाँ से गोल लाइन बाहर। और अपने ही दिशा में खेलने का प्रयास देख रहा है कि बॉल को आखिर अंततः अपने गिरफ्त में रख पाते हैं कि नहीं, लेकिन सही समय पर उस बॉल को अपने गिरफ्त में रखा, अपने कब्जे में रखा, और यहां से एक अच्छा सा क्लियरिंग शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल जाएगी सीधे यहां पर सुरक्षित सोम के सुरक्षित दस्तानों पर। और सौम नजर फिराते हुए कि देखते हैं किस क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी हैं, और यहाँ फ्लाइट एंड शॉट खेला है मगर वो छोड़ के सीधे टच लाइन के बाहर। और अभी आपके पास जितना कम समय है इस पर आपको सही शॉट सिलेक्शन करना होगा, आपको सही दिशा में बॉल को खेलना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और आपको परेशानी ज्यादा उठाना पड़ेगा। और इतवार ने खेला एक अच्छा सा नियंत्रण दिशा में, लेकिन वहां अपोनेंट के खिलाड़ी मौजूद, और पुनः एक बार यहाँ लुकस के कब्जे में बॉल और साइलेंट बॉल के पीछे, लेकिन देखना है साइलेंट आखिर क्या ये दूसरा गोल हो सकता है साइलेंट का, लेकिन साइलेंट सही तरीके से बॉल को गैदर नहीं कर पाए और अपोनेंट खिलाड़ी के पास जाते हुए बॉल, लेकिन दाद देना होगा यहाँ पर लिट्टीपाड़ा के खिलाड़ी को कि जो पहला मैच के तुलनात्मक इस मैच को बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेला है। सिद्धपहाड़ी जैसे टीम को इतना टक्कर देना कहीं ना कहीं उनकी मनोबल में बहुत ही क्षमता है और क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए यहाँ पर पुनः एक बार यहाँ बोल जाने दिया सीधे गोलकीपर के सुरक्षित स्थान पर। और बॉल यहां साइमन बी के पास खेला गया है, और यहां फ्लाइटेड शॉट खेले हैं, लेकिन बॉल के नीचे एक खिलाड़ी तो थे, लेकिन बॉल को अपने ग्रिप में लेने से थोड़ा सा
पीछे रह गए, लेकिन बॉल के पीछे पीछे अभी भी साइलेंट भागते हुए। और देखिए क्या बेहतरीन ढंग से वहां इतवार बॉल को अपने कब्जे में रखे हैं, और देखना होगा इतवार किस दिशा में खेलते। इतवार ने यहां पवन बाबू एक ही दिशा में खेला है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत पास होगा। मिस टाइम पास होते हुए यहां खेलने का प्रयास किया मनोज को पीछे से थोड़ा, और उसी क्रम में यहाँ एक फाउल अर्जित करते हुए और जैसा कि हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर NSSC झारखंड अकेडमी के खिलाड़ी डगआउट के ओर प्रस्थान करते हुए, और कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि समय और ज्यादा। एक अच्छा सा प्रयास था यहाँ इतवार का, लेकिन बहुत ही अच्छा वहां पर ब्लॉक आउट करते हुए यहाँ लिटी पड़ा के कीपर। अगर थोड़ा सा एंगल चेंज होता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन दाद देना होगा वहां लिटी पड़ा के कीपर को। बेहतरीन ढंग से बॉल को समझा, और मैं बता ही रहा था कि समय धीरे धीरे अपने चरम सीमा की ओर बढ़ते हुए